जिसका मैं पालन कर सकता हूँ। महाराज जी के शब्दों में, कभी किसी का दिल ना दुखाओ, दिल से निकली हुई बात कभी व्यर्थ नहीं जाती। रक्षा सूत्र चैनल पर सभी भक्तों का स्वागत है। हम सभी भक्तों को महान संत नीप करूरी बाबा जी महाराज की अद्भुत पावन कथाएं सुनाने जा रहे हैं। कृपया सभी भक्त ध्यान से सुने। अगर मैं आज एक मनोचिकित्सक के पास जाऊं और उन्हें वह चीज़ें समझाऊं जो मैं महाराज जी के साथ दैनिक स्तर पर अनुभव करता हूँ, मुझे संदेह है कि वह कैसे और कब प्रकट होते हैं, तो वे मुझे कम से कम 7 अलग अलग मानसिक बीमारियों का निदान करेंगे और मुझे मेरे दिमाग की कार्यप्रणाली को बंद करने के लिए 11 तरह की गोलियां भी देंगे। वे मुझे शिजोफ्रेनिक भ्रम, पागलपन, अत्यधिक सक्रिय कल्पना भव्य पागलपन कह सकते हैं और मेरे व्यवहार को बेहद गलत पाते हैं और अनुशंसा करते हैं कि मुझे मनोरोग सहायता मिले। शुक्र है महाराज जी ऐसा नहीं होने देंगे। मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ। कुछ दिन पहले मेरे तहखाने में एक भूखी बिल्ली थी। मुझे संदेह था कि महाराज जी थे, क्योंकि वे जो भी रूप चाहते हैं वह धारण कर सकते हैं। मैंने इसे दही दिया लेकिन उसने नहीं खाया, इसलिए मैंने कुछ मांस लाने की कोशिश की और जब तक मैं वापस आया तब तक बिल्ली जा चुकी थी। मैंने मांस को उसके आने और खाने के लिए तहखाने में छोड़ दिया। उस दिन के बाद उस बिल्ली को दोबारा नहीं देखा। 2 दिन बाद उत्तराखंड के एक साथी भक्त और प्रिय मित्र ने मुझे किसी बिल्ली के बारे में रोते हुए बताया जो कुछ नहीं खा रही थी, और जैसे ही मैंने उसे बताया कि एक ऐसी ही संदिग्ध बिल्ली यहाँ पर भी थी, उसने बहुत राहत महसूस की और अगले दिन कहा कि उसकी बिल्ली की समस्या ठीक हो गई थी। अब हम दोनों को यह विश्वास करना अच्छा लगता है कि वह महाराज जी थे। बाकी दुनिया के लिए यह पागलपन या बेवकूफ़ बनाना लग सकता है, हमारे लिए यह मायने नहीं रखता कि दूसरे इसके बारे में क्या सोचते हैं। ऐसी कई चीज़ें मेरे साथ कैंची और गोवा में हुई थीं। कैंची में एक सबसे यादगार बात यह थी कि जब मैं मंदिर के द्वार के बाहर बैठा था और एक संगीत सीडी के बारे में एक वीडियो रिकॉर्डिंग कर रहा था जो मेरे दोस्त ट्रुथ सीक द्वारा बनाए गए 7 चक्रों पर जोर देते हैं, तभी वहां एक बंदर आया और मुझे शर्ट से खींचने लगा आरती की ओर। जैसे ही मैंने शीर्ष चक्र के बारे में बात की और महाराज जी क्राउन किंग शब्द का उच्चारण किया, अब मुझे विश्वास हो गया है कि यह बंदर हनुमान जी थे। निश्चय ही वह हनुमान जी थे। मैं इसे महसूस कर सकता था। एक और आकर्षक पुनरावृत्ति जिसका मुझे उल्लेख करना चाहिए वह यह है कि जब मैं अपने गोवा के घर में था तो मुझे प्रतिदिन पूजा की मेज़ पर
फल और फूल छोड़ने और फिर या तो इसे बांटने या अगले दिन खुद खाने की आदत थी। अजीब चीज़ों में से एक यह था कि हर बार जब मैं पूजा की मेज़ पर लाल सेब छोड़ता था तो एक तरफ से खा लिया जाता था और यह लुढ़कता था और ट्रेडमिल के नीचे उसी स्थान पर उतरता था। जब पहली बार ऐसा हुआ तो मैंने सोचा कि है बालकनी से आया एक चूहा था और मेरा घर जो प्रकृति से घिरा हुआ है बालकनी के पार फेंक दिया। वहाँ कई गाय और बंदर आसपास आ गए थे। यह घोर आश्चर्य था। अगले दिन ठीक वही हुआ। इस बार मैंने करीब से देखा और काटने का निशान बेहद मानवीय लग रहा था। मैंने अपने कुछ दोस्तों को तस्वीरें दिखाई और जो महाराज जी को नहीं जानते थे उन्होंने कहा कि यह एक चूहा था और कुछ ने कहा कि यह महाराज जी थे। हालांकि मैं वास्तव में चूहों से संबंधित बीमारियों से डरता था और सेब की जांच की तस्वीरें ली और उसे फेंक दिया। 4 या 5 से अधिक बार सेब से एक समान दिखने वाला खाने वाला निशान और यह ट्रेडमिल के नीचे ठीक उसी स्थान पर लुढ़क गया। चूहा बेहद बुद्धिमान लग रहा था। हालांकि एक दिन चालीसा का कई बार पाठ करने के बाद मैंने बहुत प्यार व अपनापन महसूस किया और इस सेब को धोकर खाने का फैसला किया। इसका स्वाद अद्भुत था और मुझे बहुत अच्छा लगा और मैं बीमार नहीं पड़ा। वास्तव में यह प्रसाद या पवित्र भोजन जैसा लगा। ऐसा तब तक चलता रहा जब तक कि मैं उस घर से नहीं निकला और हर बार मैं सेब को अच्छी तरह धोता, कभी कभी चाकू से टुकड़े काट कर प्रसाद का आनंद लेता। मैं किसी को भी ऐसा करने की सलाह नहीं देता, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि मैंने इसे किया और मुझे पूरा यकीन है कि यह महाराज जी ही थे। हालांकि दूसरे को यह पागलपन लग सकता है। तो समावेश मल्टी पर्व के जादू अज्ञात और पागलपन के बीच एक बहुत पतली रेखा है। यदि आप इसे पढ़ रहे हैं तो अपने बारे में, दूसरों के बारे में, वास्तविकता की प्रकृति या महाराज जी के बारे में जो भी विचित्र या दूर के अनुभव, सिद्धांत या संदेह हैं उन्हें कभी भी अमान्य ना करें। इस बात की बहुत अच्छी संभावना है कि यह सच है और समाज अभी इसके बारे में सुनने के लिए तैयार नहीं है। हालांकि समाज का एक बुनियादी नियम है जिसका मैं पालन कर सकता हूँ। महाराज जी के शब्दों में, कभी किसी का दिल ना दुखाओ, दिल से निकली हुई बात कभी व्यर्थ नहीं जाती। हर रोज़ महाराज जी की कथाएं सुनने के लिए रक्षा सूत्र चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। घंटी बजाना ना भूलें। कमेंट बॉक्स में लिख भेजें, जय नीब करोरी बाबा जी महाराज। बोलो नीब करोरी बाबा जी महाराज की जय। बोलो।